मैं सारा का होने वाला कुछ नहीं लगते तुम सारा के। ये मेरे निकाह में है, ये मेरी बीवी है। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा सारा, जीते जी मार डाला तुमने हमें। सारा, मैं आपको शाजमा और वहाद जैसे दरिंदों के बीच में छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने आपकी हिफाजत करने का वादा किया था और अब मरते दम तक इस वादे को निभाऊंगा। सब कुछ बताता हूँ। तुमने मेरी बहन को धोखा देकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अरे पूरे खानदान, पूरे मोहल्ले वाले को इकट्ठा करके मैं तुम्हारे सारे कसूर बताऊंगी। है पूरे 2 साल से तुम मेरी बहन को धोखा दे रहे हो, बार-बार के डांटा कर रहे हो और शादी कर ली उस जमींदारी के साथ। भाभी प्लीज मेरी बात तो सुन ले। तुम सब चुप कर जाओ, मुझे बात कर लेने दो उससे। हाँ भाई एक बात बताओ, बेगम साहिबा ने जो मुझे कहा है क्या वो सच है? मैंने तुमसे कुछ पूछा है क्या? बेगम साहबा ने वो सच कह रही थी। मैंने सारा के साथ कोर्ट में निकाह कर लिया है, लेकिन इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ ना। ये शर्म, एहसान फरामोश, तुम्हें ये जलील हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? अपने मोहसिन को धोखा दिया तुमने है? क्या मुंह दिखाऊंगा मैं, कैसे सामने जाऊंगा मैं? नौकरी भी गई और इज्जत भी गई। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? जवान बेटे पे हाथ उठा रहे हैं? छोड़िए, इसने मुझे मुंह दिखाने का काबिल नहीं छोड़ा। अब्बा अब्बा प्लीज बस कर दें, आप तबीयत बिगड़ जाएगी। अब एहसान साहब को धोखा देकर अच्छा नहीं किया तुमने। सालों नमक खाया उनका हमने और तुमने उन्हीं की इज्जत खाक पर ला दी। क्या किया तुमने, क्या किया? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। अनवर, ज़हीन को अपने कमरे में लेकर जाओ, जाओ। नहीं, पहले मुझे अब्बा से बात करनी है। अब्बा आप मुझे जो सजा देंगे वो मुझे कबूल है, लेकिन पहले मेरी पूरी बात तो सुन लें। तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी मैंने, कोई बात नहीं सुननी। चलो जा, तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता। ले जाओ इसको, मुझसे बात मत करो। चलो ले जाओ उसको। मैं एहसान साहब को क्या जवाब दूंगा? क्या मुंह दिखाऊंगा दुनिया को मैं? ज़हीन ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इस बुढ़ापे में आजमाइश में डाल दिया। आप ज्यादा परेशान मत हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। या अल्लाह, ये किस आजमाइश में डाल दिया हम गरीबों को। ये क्या किया तुमने? ये शर्म, एहसान फरामोश, अपने मोहसिन को धोखा दिया तुमने। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं, कैसे सामने जाऊंगा मैं? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। मैं एहसान साहब को क्या जवाब दूंगा? डॉक्टर साहब, कोई घबराने की बात तो नहीं है? नहीं, घबराने की तो बात नहीं है। अब इनकी पहले से भी काफ़ी बेहतर है तबीयत और बीपी भी कंट्रोल है इनका, मगर सुकून की दवाइयाँ जो है इनकी जारी रखिएगा। ठीक है। अच्छा, मुझे इजाज़त दे। ठीक है, मैं छोड़ के आता हूँ। आइए चलिए।
तुम क्यों आई हो यहाँ पर? एहसन को नर्वस ब्रेकडाउन करवाओगी क्या? जान लोगी क्या उनकी? जाओ यहाँ से। याला ये क्या हो गया? याला मेरे अल्लाह, इतनी बड़ी कयामत आप लोग में टूट पड़ी और मुझे किसी ने बताया तक नहीं, क्यों? अम्मी आपको किसने बताया? आप क्या लेने आई यहाँ पर? ऐसी बातें चुपती है क्या? वो तो अल्लाह भला करे सकीना का, उसने मुझे फोन करके बताया तो मैं दौड़ी चली आई। आप ठीक तो है ना ऐसा साहब? घर के मुलाजमों को ये बात समझा दो, ये बात किसी सूरत घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं इस किस्से को आज ही खत्म करूंगा। साबिर साहब को फोन करके बुलवा। अहसन साहब आप हिम्मत से काम ले, हौसला करें। अगर आप ही हौसला छोड़ देंगे तो बच्चियों को कौन संभालेगा? सारा भी बच्ची है, नादान है, गलती हो गई इसे, माफ कर दीजिए ना। माना कि जहीन आपका नौकर है लेकिन इतना बुरा भी नहीं, अच्छा खासा पढ़ा लिखा और शक्ल का अच्छा है। अगर सारा उसे पसंद करती है तो आप उसकी शादी। क्या कह रही हैं आप? शाजा प्लीज अपनी अम्मी को लेकर इस कमरे से चली जाओ। पापा की तबीयत पहले से खराब है और डॉक्टर ने उन्हें टेंशन से दूर रहने का कहा है। प्लीज जाओ यहाँ से। सबसे बड़ी टेंशन तो ये सामने खड़ी है, इसे बोलो यहाँ से चली जाए। इसे देख के हमेशा एहसन का बीपी हाई हो जाता है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, समझी तुम? बाबा मुझे माफ कर दे, मुझे गलती हो गई। गलती हो गई, माफ कर दे, बस यही दो जुमले उसके पास। पिछले कई महीनों से तुमने मेरी जिंदगी अजाब बना के रखी हुई है, हमाकत पे हमाकत करती जा रही हूं। हर बार मैंने तुम्हारी गलतियों को तुम्हारी नदामत समझ के माफ किया, लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैं इसको कड़ी सजा दूंगा। तुमने सिर्फ मेरा दिल ही नहीं तोड़ा बल्कि मेरे एतबार की भी धज्जियां उड़ा दी है। साहब आपको मुझे जो सजा दे दी हो दे दे, लेकिन मैं वहां से शादी नहीं करूंगी। वो अब तुमसे शादी करेगा भी नहीं। तुम जहीन डिजर्व करके चली जाओ उसके पास। शाजमा तुम इस मामले में मत बोलो और जाओ यहाँ से। है? ये क्यों जाए यहाँ से? आपकी बीवी होने की हैसियत से इसका पूरा हक बनता है कि घर के हर मामले में बात करे। आपकी इज्जत और सेहत का सिर्फ यही ख्याल रखती है, वरना आपकी बेटी जो आपकी इज्जत अफजाई करी है ना, वो सबको पता है। ये हमारा जाती मामला है और आपको हमारे मामला पे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। शाजमा अपनी अम्मी को लेकर यहाँ से चली जाए, प्लीज जाए यहाँ से। अम्मा चले चले यहाँ से, इन्हें बात कर लेने दे। क्यों चलो, बात तो कर ले तुम। चले ना, चले। अरे तुम मुझे रोकती क्यों? बाबा मुझे माफ कर दे प्लीज मामा। फिर से कहो कि यहाँ से चली जाए, मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। ऐसा मत कहे बाबा, मैं तो आपकी लाडली बेटी हूँ ना, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? और तुमने जो मेरे साथ किया उसका एहसास है तुम्हें? एहसास है, इसलिए आपसे माफी मांग रही हूँ। तुम्हारी अब इस माफी, नदामत और आंसुओं का कोई फायदा नहीं। तुमने मुझे जीते जी मार दिया सारा। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा, मैंने बहुत दुख दिए ना आपको। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिसे आप। सारा प्लीज इस वक्त यहाँ से चली जाओ, मामा की तबीयत तुम्हें देखकर और खराब हो रही है। प्लीज जाओ यहाँ से, चली जाओ। सारा मैं कह रही हूँ ना, प्लीज चली जाओ यहाँ से, जाओ। मामा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मामा आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरी फिक्र छोड़ो, तुम इस पे नजर रखो, फिर कोई हमाकत ना कर बैठे। मैं आज ही साबिर साहब को फोन करके कहता हूँ, उनको बुलाता हूँ, इस मामले को खत्म करना जल्द से जल्द, इससे पहले कि सोसाइटी में बात फैल जाए और मजीद बदनामी हो। मामा परेशान मत हो, मैं कल ही उन्हें बुलाती हूँ। नहीं बेटा कल नहीं, आज ही फोन पे बात करनी है। जहीन से कहो कि तलाक के पेपर्स लेकर आए, इस मामले में मजीद ताखीर नहीं करनी हमें। ठीक है मामा। जाओ बेटा। मैं करती हूँ फोन, आप परेशान मत हो, मैं करती हूँ। आप ऐसा चाहते क्या है? आपने आखिर इन लोगों को क्यों बुलाया यहाँ पे? देखो शाजमा, मैं इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूँ। पहले ही सारा के मुतालिक सोसाइटी में बहुत सी बातें हो रही हैं। ऊपर से उन लोगों को एक और न्यूज़ मिल जाएगी कि एहसन हयात की बेटी एक
मुलाजिम के बेटे के साथ कोर्ट मैरिज कर रही है। ऐसा निकाह और तलाक कोई बच्चों का खेल नहीं है। और इस बात की क्या गारंटी सारा की तलाक के बाद ये बात छुपी रहेगी? सारा के अगवा का किस्सा पूरे शहर में फैल गया था और दुनिया वालों के आपको फोन आना शुरू हो गए थे। एक तो किडनैपिंग और फिर घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर ली। इस लड़की ने आपका नाम डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसको उसकी गलती की सजा मिल गई है। एक बार तलाक हो जाए तो फिर देखो मैं इसके साथ करता क्यों। आज के बाद मेरे किसी फैसले को इनकार नहीं कर सकेगी। मैं तो बस आपको ये कहती हूँ कि आप प्लीज वहाज को कोई कमिटमेंट ना दीजिएगा। मैं तो कहती हूँ आप सारा से कोई बात कर लें, क्योंकि मुझे लगता है सारा और जहीन ने एक दूसरे से ज्यादा एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं शासमा। प्लीज। मेरा तो बस मतलब ये है कि इतना बड़ा कदम उन्होंने कुछ सोच समझ के ही उठाया होगा। और अगर आपको अभी भी ये सब कुछ लगता है कि उसने ये सब कुछ वहाज से जान छुड़वाने के लिए किया है, तो आप गलत सोच रहे हैं सन। कोई भी लड़की किसी लड़के को जबरदस्ती निकाह करने पर मजबूर नहीं कर सकती। ऐसा नहीं हो सकता शासना। मेरी बेटी घर के एक मामूली मुलाजिम को पसंद नहीं कर सकती। मेरा बस ख्याल है सन कि आप अपनी जज्बात से कोई फैसला ना लें। सारा को थोड़ा टाइम दें समझने के लिए, सोचने के लिए, और वक्त आप लोगों को बेहतर फैसला करने में मदद देगा। बाबा वो लोग नीचे आ गए हैं। ठीक है मैं आता हूँ। ये तुमने क्या कर दिया सारा? आप प्लीज बैठ जाएं। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ सर। बाबा आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपके बेटे ने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की जिसे मैं इतनी आसानी से माफ कर दूं। ये तो शुक्र करें मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, वरना एक लड़की से जबरन निकाह करने के जुर्म में मैं इसे अंदर करवा सकता हूँ। मैंने सारा से जबरदस्ती निकाह नहीं किया है, उसकी मर्जी से हुआ ये निकाह। मैं कई बार आपको ये बात कह चुका हूं। चुप करो, चुप हो जाओ। मैं बात कर रहा हूं, मुझे बात करने दो। गलती मेरी थी जो आपके बेटे पर भरोसा किया। अरे आस्तीन के सांप को अपना वफादार मुलाजिम समझता रहा। अरे मुझे बाद में पता चला कि शहर में मेरी बेटी के अगवा होने की खबर कैसे फैली। यकीनन इसमें भी इसका कोई हाथ था। नहीं सर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुम क्या सोचते हो क्या नहीं ये बताने की जरूरत नहीं। अरे मैं तो तुम्हें एक शरीफ इंसान समझता था, इसीलिए मैंने अपनी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी कि तुम एक अच्छे और शरीफ इंसान हो। और बदले में तुमने क्या किया? सर मैंने अपनी जिम्मेदारी हमेशा बखूबी निभाई, आपकी इज्जत को अपनी इज्जत समझा। खुदा जानता है कि सारा के लिए मेरे दिल में कितनी इज्जत और कितना एहतराम है, लेकिन इतने तजुर्बेकार होने के बावजूद आपकी नजरें वो ना देख सकी जो सारा आपको समझाना बताना चाहती हैं। मैंने तुम्हें तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं बुलाया। तुम लोग इसलिए यहाँ बुलाया कि मैं इस किस्से को आज खत्म कर सकूं। तुम्हें जो पैसे चाहिए लो मुझसे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी मेरी बेटी को तलाक देनी होगी। क्या ये मुनासिब होगा अगर अगर सारा ने फिर से कोई उल्टी सीधे हरकत कर दी? फिर मैं इस शख्स से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता और ना ही से मुजीद अपने घर में बर्दाश्त कर सकता। अरे मैं इन लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया और बदले में इन्होंने ये सिला दिया मेरे एहसानों का। और तुम जहीन मेरी बराबरी के ख्वाब देख रहे हो। मुझे आपके एहसानात का ही मान है सर, वरना इतनी बेइज्जती के बाद इस रिश्ते पर कायम ना रहता। जब तक आपकी आंखों से वहाज परंदे एतमाद की पट्टी ना उतर जाए, मैं इस रिश्ते को खत्म नहीं करूंगा। अमर छोड़ा, चुप हो जा, मैं बात करता हूं।
साक्षी, सारी जिंदगी आपका नमक खाया, हम आपकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? ये जो है ये सारा को तलाक भी देगा और आइंदा आपकी शक्ल भी नहीं दिखाएगा सर। कुछ लोगों को उनकी हैसियत से ज्यादा मिल जाए तो अपनी औकात भूल जाते हैं। आपके बेटे ने भी कुछ ऐसा ही किया। मेरे पास नौकरी क्या मिली, इसने अपनी आंखों में ख्वाब सजा लिए, एहसन हयात के दामाद बनने का ख्वाब। मुझे आपकी दौलत और आपके स्टेटस में कोई दिलचस्पी नहीं है सर। एहसन आप प्लीज इसे सोचने का मौका तो दें, हो सकता है इस तरह से मामला संभल जाए। तलाक तो इसे देनी होगी और ये काम आज ही होगा। सारा को ये फैसला मानना होगा, उसे वहां से शादी करनी होगी। मगर मैं वहां से शादी नहीं करूंगी। शाजमा की पसंद के आदमी से शादी करने से बेहतर है कि मैं ज़हीन के निकाह में ही रहूं। ये तुम क्या कह रही हो? चलो मेरे साथ अंदर। छोड़ो मुझे, नहीं जाऊंगी मैं अंदर। तुम्हारी वजह से पहले ही मेरी बहुत ज्यादा तजलील हो चुकी है। दिल तो यही चाह रहा है कि तुम्हें ज़हीन के साथ रुखसत कर दूं। देखा है सर, मैं कहती थी ना ये सिर्फ ज़हीन में इंटरेस्टेड है, ये तो बस उसी के काबिल है। अपनी बकवास बंद करो तुम, तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती मैं। ठीक कह रही है शाजमा, ये ज़हीन के काबिल है, और तुम अभी लेकर इसको यहां से निकल जाओ और दोबारा यहां कदम मत रखना ताकि इसका दिमाग भी ठिकाने लग जाए। ठीक है बाबा, अगर अपनी जिंदगी का फैसला करने की सजा यही है तो यही सही। मामा ऐसा मत करिए प्लीज, सारा भी गुस्से में है। बस फैसला हो चुका है, अब एक मिनट भी मैं इसका वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं हर बार इसकी गलतियों को नजरअंदाज करने, माफ करने की सजा भुगत रहा, और इस बार तो सारा ने सारी हदें पार कर ली। अगर इसने इस घर में रहना है तो इसे ज़हीन से तलाक लेनी होगी और वहां से शादी करनी होगी, और अगर ऐसा ही नहीं कर सकती तो चलिए यहां से। मैं वहां से शादी हरगिज़ नहीं करूंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी, सुना तुमने? तुम खड़ी क्यों हुई? अरे जाओ यहां से, ये मेरा घर है, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। बाबा बस, कोई बीच में नहीं बोलेगा। मैं एहसन हयात अपने होशो हवास में ऐलान करता हूं कि मैंने सारा को अपनी जायदाद से आग किया। आज से इससे मेरा कोई वास्ता नहीं, मर गई है ये मेरे लिए। और तुम यहां क्यों खड़े? अपनी बीवी के लोर दबाओ, यहां से निकलो। अपनी मर्जी से गई है वो उसके साथ। मामा उसे उस माहौल में रहने की आदत नहीं है, ये ज्यादती है उसके साथ। ज्यादती? उसने अपने साथ खुद ज्यादती की है। तुम्हें क्या लगता है मैं उसके इस फैसले पर खुश हूँ? मामा प्लीज माफ कर दे उसे, प्लीज। तुम अपने घर जाओ, उसे उसके हाल पर छोड़ दो, जाओ प्लीज। आगे क्या होता है? आगे जो भी होगा मेरी मर्जी से होगा, और अगर तुमने मेरे साथ सियासत खेलने की कोशिश भी की तो याद रखना मैं भी इस खेल की पुरानी खिलाड़ी हूँ।
बना चाहे। अगर इसने इस घर में रहना है तो उसे ज़हीन से तलाक लेनी होगी और वहां से शादी करनी होगी, और अगर ऐसा नहीं कर सकती तो चल जाए यहां से। अरे आस्तीन के सांप को अपना वफादार मुलाजिम समझता रहा। अरे मुझे बाद में पता चला कि शहर में मेरी बेटी के अगवा होने की खबर कैसे फैली। यकीनन इसमें भी इसका कोई हाथ था। अगर इसने इस घर में रहना है तो उसे ज़हीन से तलाक लेनी होगी और वहां से शादी करनी होगी, और अगर ऐसा नहीं कर सकती तो चल जाए यहां से। देखो तमीज से बात करो तुम लोग, इस मोहल्ले में हमारी बहुत इज्जत है। पहले भी तुम लोगों की वजह से हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है, अब फिर से तुम लोग तमाशा लगाने आ गए हो। बदनामी तो हमारी हुई है खाला, मेरी बहन के साथ तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। बस कर दो, बस ज्यादा तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। जो होना था ना वो हो गया। तुम्हारी बहन के नसीब में मेरा ज़हीन था ही नहीं। अरे तमाशा तो अब शुरू होगा, मैं चीख चीख के पूरे मोहल्ले में बताऊंगी कि तुम्हारा बेटा कितना धोखेबाज है। हैं? क्या समझ रखा है तुम लोगों ने हमें? मैं सबके सामने जाके शोर मचाऊंगी और तुम्हारे बेटे के करतूत बताऊंगी। अम्मा क्या हो गया आपको, हौसले से काम रखे। ज़हीन अभी आता ही होगा, हम उसे प्यार से बैठ के समझाएंगे, वो मान जाएगा। अम्मा अरे क्या समझाएंगे, क्या समझ रखा है तुम्हारे ससुराल वालों ने? कहीं दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा हमें। तुम्हारी बहन ना रो रो के अपनी जान दे देगी। कान खोल के सुन लो तुम सब, सज्जो की शादी ज़हीन से ही होगी। अरे चल कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ है जबरदस्ती, जबान दी थी तुम लोगों ने हमें। अरे मैं नहीं मानती अपनी जबान वबान को। शादी ब्याह ना किस्मतों के खेल है, उसके किस्मत में जो थी ना वो उसको मिल गई। अरे सारा बीबी आप? ज़हीन ये सब क्या, अचानक कैसे? ये लो देख लो, इन लोगों की दीदा दिलेरी भाई, ये सब इनकी ना सबकी मिली भगत है। ए? आज वो अमीर बहू ब्याह कर घर भी ले आए साबिर भाई। वाह भाई वाह। और आपके खड़े हुए इस तरह मुंह में दही जमा के हैं? देख ली अपने भाई की करतूत, कितना मासूम समझती थी मैं इसे, कितना बड़ा धोखा दिया इसने मेरी बहन को। अम्मा सारा थक गई है, आप इसे कमरे में ले जाएं। अरे सारा बीबी आओ अंदर आओ, ये आपका अपना ही घर है। हाँ हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, मेरी बेटी का क्या होगा? वो तो इतनी खुशी खुशी हाथों में मेहंदी लगा के बैठी हुई है, क्या जवाब दूंगी मैं उसको? अरे ज़हीन तुम्हें जरा खुदा का खौफ ना आए, मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म किया तुमने। मुझे माफ कर दे खाला, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। क्या माफ कर दे, इतनी आसानी से कह दिया तूने, हैं? ये भी ना सोचा कि मेरी सज्जों पे क्या बीत रही होगी। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे और इस लड़की को कभी माफ नहीं करूंगी। तलाक दे अभी उसे। कुछ नहीं होगा आपकी बेटी को, और एक बात कान खोलकर सुन लें आप लोग, सारा आप मेरी बीवी है, इज्जत है इस घर की, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तलाक तो तुम्हें उसे देनी होगी, वरना वरना क्या कर लेंगे आप लोग, कुछ जबरदस्ती है क्या? शबीर खाला जान बस कर दें आप लोग, और प्लीज आप लोग अभी यहां से चले जाइए, यूं लड़ाई झगड़ा करने से मसलों का हल नहीं निकला करता। आप प्लीज कुछ दिनों की हमें मोहलत दे दें, हम ज़हीन को समझाने की कोशिश करेंगे। जितना चाहे टाइम ले लो, मगर शादी तो ज़हीन का सज्जा से करनी पड़ेगी। चलो अम्मा। क्या हुआ, चले गए वो लोग? जान से मारने की धमकी देके गए तुम्हारे बेटे को। ऐसन हयात का दामाद है मेरा बेटा, अरे आए कोई हाथ तो लगा कर दिखाए। वैसे असल साहब ने इतनी जल्दी
सारा की रुखसती कर दी, वो भी खाली हाथ। पहले बता देते तो हम एहतमाम कर लेते थोड़ा। मैंने क्या ऐसा कह दिया? अम्मी, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि सारा हमेशा के लिए इस घर से चली गई। मैं अब इस घर की वाहिद मालिकन बन गई हूँ। कितनी एक्साइटिंग न्यूज़ है ना ये। अरे सच पूछो शाजमा, तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि आखिर एहसन साहब ने इतना बड़ा फैसला ले कैसे लिया। अपनी अकलौती बेटी को एक ड्राइवर के साथ कैसे रुखसत कर दिया उन्होंने। आपको अभी भी अपनी बेटी की जहानत पर शक है अम्मी? छोड़े इन वजहों को, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, हमारे लिए तो जश्न का दिन है, हमें तो सेलिब्रेशन करनी चाहिए। जब भी तो देंगे यार। जहीन, अरे जहीन बेटा। जी अम्मी। जरा सारा से पूछो तो फिर खाने में क्या बनाऊं, क्या पसंद है उसको? अम्मी फिलहाल जो बना है वही दे दें। अरे ये क्या बात हुई, शादी के बाद ससुराल में उसकी पहली रात है, खाना तो कम से कम उसकी पसंद का बनना चाहिए ना। अच्छा मैं पूछ के बताता हूँ आपको। हाँ जल्दी से मुझे पूछ के बता ताकि मैं खाना बन लूँ। हाँ अरे ओ शबाना जरा सुन तो, सारा सारा उठ जाए। सारा सारा आई ऑल राइट? सारा सारा तुम क्या कर रहे हो यहाँ? क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? मेरा कमरा है ये, मेरा मतलब हम। क्या हुआ था आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? चले मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मैं ठीक हूँ। आपको भूख लगी होगी, मैं अम्मी से कह के अभी आपका खाना कमरे में भिजवाता हूँ। अगर आप कुछ और खाना चाहती हैं तो मैं ला देता हूँ, और कल मैं आपको बाजार भी ले जाऊंगा, आप अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लीजिएगा। मेरे लिए कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है समझे, मैं ज्यादा दिन यहाँ पे रुकने नहीं वाली। जैसे मेरे बाबा का गुस्सा ठंडा होगा वो मुझे मना के ले जाएंगे यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से। फिकर नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि वो उस चुड़ैल को घर ले आएगा, मगर आपने कुछ नहीं किया मेरे लिए। देखो तुम्हारा भाई गया था, उन्हें धमकी देकर आया कि वो किसी भी कीमत पर उस लड़की को तलाक दे। अगर वो ना माना तो
तो अम्मा मैं क्या करूंगी? खुदा का वास्ता है, कुछ करे मेरे लिए। अम्मा कुछ करे वरना मैं मर जाऊंगी। मैं ज़हीन के बगैर नहीं रह सकती। मुझे अगर वो ना मिला ना तो मैं मर जाऊंगी अम्मा प्लीज। जो लो बेटा, चलो खाना खा लो। क्या हुआ बेटा, भूख नहीं है क्या? भूख नहीं भी है तो खाना पड़ेगा, भूखे पेट रहोगी क्या? चलो शाबाश, मैं ना अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाऊं। हाँ नहीं, रहने दे, मैं बाद में खा लूंगी। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम अपने साथ अपने कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं लेकर आई? चलो कोई बात नहीं, कल ज़हीन के साथ जाके अपने घर से अपनी जरूरियात की सारी चीजें ले आना। हाँ माम, सारा अब उस घर में वापस नहीं जा सकती। अरे उसके बाप का घर है, क्यों नहीं जा सकती? मेरा कहने का मतलब है कि फिलहाल नहीं जा सकती, मैं कल खुद ही से शॉपिंग करा दूंगा। है? ये क्या कह रहे हो तुम? इसका मतलब है कि एहसन साहब ने इसे घर से? मैं आपको सब बताऊंगा। आप फिलहाल जाएं, भाई भाभी से कहें कि आज जो तमाशा हुआ है ना वो दोबारा नहीं होना चाहिए। सारा अब मेरी बीवी है और अब ये इस घर से कहीं नहीं जाएगी। क्या बीवी बीवी लगा रखा है तुमने? ये ने कहा मैंने तुमसे बहुत मजबूरी में किया था। जब मैं तुम्हें अपना शौहर ही नहीं मानती तो तुम किस हक से मुझे अपनी बीवी कह रहे हो? ये निकाह हम दोनों में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आइंदा मुझ पर हक जताने की कोशिश मत करना। बीवी नहीं हूं मैं तुम्हारी। मैं जानता हूं आप अब भी मुझे रिश्ते नहीं हैसियत के तराजू में तोल रही हैं, लेकिन फिक्र ना करें, मैं अपनी औकात नहीं भूलूंगा। बेहतर होगा तुम्हारे लिए। हाँ लेकिन ये बात अम्मा नहीं जानती, इसलिए आहिस्ता बात करें, घर में और भी लोग रहते हैं। तो इस घर के लोगों को पता होना चाहिए कि ये निकाह सिर्फ हम में कागजी ताल्लुक है। मैं यहाँ पे सिर्फ चंद दिनों की मेहमान हूँ, फिर चली जाऊंगी यहाँ से। आप निकाह जैसे मुकद्दस और पाक बंधन को मजाक समझती हैं, मगर सब नहीं, आपके लिए होगा ये सिर्फ एक कागजी बंधन, मगर मैं इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ निभाऊंगा। आपकी हिफाजत करना अब मेरी जिम्मेदारी है, और मेरे जीते जी मैं किसी को भी आपकी जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा सोचना मत। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा, मगर जो मुझे बेहतर लगेगा आपकी हिफाजत के लिए वो जरूर करूंगा। बहुत रात हो गई, सो जाए। मैं तुम्हारे साथ एक बेडरूम नहीं शेयर कर सकती। इस घर में सिर्फ 3 ही बेडरूम्स हैं, और आप फिक्र मत करें, मैं जमीन पर बिस्तर बिछा लूंगा। मेरे लिए जाके कोई रेंट का अपार्टमेंट लो। सारा आप मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे तरीके से जानती हैं, मैं आपको अलग घर में नहीं रख सकता। शासमा की कॉल इस वक्त? हेलो शासमा, इतनी रात को तुम कॉल कर रही हो, सब खैरियत है? हाँ बात ही कुछ ऐसी थी कि सुबह तक इंतजार ही नहीं हो पाया, सोचा तुम्हें अभी बता दूं। क्या तुम्हारे ख्वाबों पर पानी फिर चुका है बहाज? आज एहसन ने सारा को ज़हीन के साथ रुखसत कर दिया। क्या ये तो होना ही था, अब वही इसकी किस्मत है। ये क्या किया तुम लोगों ने?
क्यों उसे जाने दिया जहीन के साथ वहां? आज नहीं तो कल उसने वहां जाना ही था, अब वही उसकी मंजिल है। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी आसानी से सब कुछ हो जाएगा। मैं हूं इतनी खुशकिस्मत, जो चाहती हूँ वो पा लेती हूँ, और ऊपर से कुदरत भी मेरा भरपूर साथ दे रही है। तुम्हें तो आज रात नींद नहीं आएगी, जाहिर सी बात है, सोने की चिड़िया जो हाथ से निकल गई तुम्हारे। हसन साहब ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते उससे, बेटी आखिर उनकी, वो बहुत जल्द माफ करके उसे घर वापस ले आएंगे, वो देखना। ऐसे हर किस नहीं होगा, एहसन का फैसला अटल है वहाज, और उसे कोई बदल नहीं सकता। मैंने आज से पहले कभी भी एहसन को इतने फैसला कुन अंदाज में नहीं देखा। You have played your part. Now let's see आगे क्या होता है। आगे जो भी होगा मेरी मर्जी से होगा, और अगर तुमने मेरे साथ सियासत खेलने की कोशिश भी की तो याद रखना मैं भी इस खेल की पुरानी खिलाड़ी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है शाहजहां, मुझे भी अपनी किस्मत बदलना आती है। तुम देखना, कल तक बाजी पलट जाएगी। ऐसा जल्द ही उसे तलाक दिलवा देगा, और फिर इतनी जिल्लत और बदनामी के बाद सारा ने मेरी तरफ ही पलट कर आना है। या अल्लाह, तू मुझे इतना हौसला और हिम्मत दे कि मैं सारा की जिम्मेदारी ऐसन तरीके से निभा सकूं, जिस माहौल और जिन आसाइशात की याद ही है वो तो शायद मैं इसे ना दे सकूं, मगर मोहब्बत, एतमाद और तहफ्फुज़ जरूर दूंगा।